नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर एक बार नए जिले के साथ, और आज के जिले का नाम है बुरहानपुर। इंदौर संभाग का एक महत्वपूर्ण जिला, हिंदू मुस्लिम एकता के समन्वय को प्रदर्शित करने वाला जिला बुरहानपुर जिला, जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। मुगल काल में भी था, मुगलों के आगमन के पहले भी था। और ख़ास बात यह है कि बुरहानपुर को, जो फारूकी वंश के राजाओं का यहाँ पर शासन था, तो इसे गेटवे ऑफ डेक्कन के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक किला है मौजूद, असीरगढ़ का किला, बेहद महत्वपूर्ण किला था, आशा अहिर के द्वारा निर्मित। तो आइए आज हम देखते हैं फारूकी वंश के राजाओं की राजधानी, खान देश की नगरी बुरहानपुर, जिसे दक्कन के गेटवे ऑफ डेक्कन के नाम से जाना गया है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश के एक महत्वपूर्ण जिलों में से एक माना जाता है। और ख़ास बात यह है कि बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है, और मध्य प्रदेश की भूमि पूरे हिंदुस्तान में जानी गई है अपने धार्मिक सद्भाव के लिए, हिंदू और मुस्लिम परंपराओं के लिए। तो ये वो शहर है जिसने पूरी दुनिया के सामने मिसाल कायम की है कि अलग अलग विचारधाराओं और अलग अलग धर्मों के लोग आपस में कैसे सौहार्द्रता के साथ, प्रेम के साथ और सामंजस्यता के साथ निवास करते हैं और अपने शहर का विकास करते हैं। आज बुरहानपुर जो है व्यापार के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध शहर है, शिक्षा की नगरी भी है, शैक्षणिक कार्य भी बुरहानपुर में बहुत अच्छे हो रहे हैं, केलों का शहर है, केलों का, और किसी समय में इसको जो है नकारात्मक रूप में गंजेड़ियों का शहर भी कहा जाता था, लेकिन बुरहानपुर के लोगों ने अपनी योग्यता से, अपने विश्वास से, उस कलंक से अब मुक्ति पा ली है। और आज बुरहानपुर एक बड़ा खूबसूरत हिंदू मुस्लिम तहजीब वाला एक शानदार जिले के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं बुरहानपुर के बारे में। आप नक्शे में देख सकते हैं बुरहानपुर की स्थिति को, कि बुरहानपुर कहां पर स्थित है। ये देखिए आप, ये देखिए बुरहानपुर की स्थिति को। अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो अगली शीट में आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मध्यप्रदेश के नक्शे में महाराष्ट्र की सीमा पर, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर रेड डॉटेड एरिया बुरहानपुर शहर के नाम से जाना जाता है, बुरहानपुर जिले के नाम से जाना जाता है। कभी शहर हुआ करता था, अब एक पूरा जिला बन चुका है बुरहानपुर। ये देखिए आप बुरहानपुर की सड़कों को, बुरहानपुर की एक झलक को देखिए आप, मतलब वो मुगल कालीन शानो शौकत आज भी इस शहर में नजर आती है। तांगे गाड़ी जो लुप्त हो चुकी हैं बड़े बड़े शहरों से, आज भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। वो मुगल कालीन इमारतें, उनकी डिज़ाइनें, वो आज भी इस शहर में नजर आती हैं। मतलब कह सकते हैं कि आधुनिक मध्य प्रदेश के बीच में एक मध्यकालीन शहर भी मौजूद है, जो अपने खूबसूरत इमारतों के लिए देश भर में विख्यात है। इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है बुरहानपुर जिला, और इस जिले का जो क्षेत्रफल है 3,427 वर्ग किलोमीटर है। बुरहानपुर जिले में ककनार, बुरहानपुर और नेपा नगर तहसील सम्मिलित है। अभी हाल ही में एक नई तहसील का भी निर्माण किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगा। और ये जो है बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। अगर आप नक्शे में इसकी स्थिति देखें, जैसा कि अभी मैंने दिखाया था आपको, तो दक्षिण में स्थित है ये। गांजा उत्पादन में अग्रणी जिला माना जाता है, ठीक है भाई, पुराने खंडवा का हिस्सा हुआ करता था, तो गांजा उत्पादन में अग्रणी है। हालांकि अब इनकी खेती बाड़ी बंद हो चुकी है, मध्यप्रदेश शासन ने गांजे की खेती को प्रतिबंधित कर दिया है, ठीक है साहब। ये बुरहानपुर के रेलवे स्टेशन की एक छवि है, और मैं बुरहानपुर के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर आपको पहले शेयर करना चाहूँगा, जो मैं इतिहास में क्लास में पढ़ाते वक्त बताता हूँ। ये आपको शीट में नहीं मिलेगी भाई, हर चीज़ शीट में मिल जाएगी तो फिर आप हमारे लेक्चर देखना ही बंद कर देंगे, है ना। आप अपने टेलीग्राम चैनल से सीधे जा कर के PPT डाउनलोड करेंगे, मेरी तो उपयोगिता ही ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ऐसे शेयर करूँगा जो आप टेलीग्राम पर नहीं मिलेगी भाई आपको, है ना। जैसे मैं आपको बता दूं,
कि 15वीं एवं 16वीं सदी में मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा यानी वर्तमान बुरहानपुर जिले का इलाका खान देश के फारूकी राजाओं के अंतर्गत आता था। फारूकी राजाओं ने दरअसल यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। इसे दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहते थे। विशेषकर बुरहानपुर जिले में जो असीरगढ़ का किला है, इसे दक्कन के गेटवे के नाम से जाना गया है, प्रवेश द्वार के नाम से जाना गया है। और इस खान देश की राजधानी हुआ करती थी बुरहानपुर। ठीक है, 1398 याद होगा सभी को, तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और तुगलक सुल्तानों की कमजोरी भी आ चुकी थी सामने। इसका फायदा उठा करके मलिक अहमद रजा ने, ठीक है भाई, दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण और तुगलक सुल्तान की कमजोरी का फायदा उठा करके मलिक अहमद रजा ने खान देश में फारूकी वंश के नाम से स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली अपनी। नाम याद रखिएगा, मलिक अहमद रजा, ठीक है भाई। फिर मलिक अहमद रजा का पुत्र हुआ मलिक नासिर। मलिक नासिर ने 1407 में 1407 में ताप्ती नदी के किनारे हजरत सूफी संत थे हजरत शेख बुरहानुद्दीन, ताप्ती नदी के दाएं किनारे हजरत शेख बुरहानुद्दीन साहब के नाम पर बुरहानपुर शहर स्थापित किया और ताप्ती नदी के बाएं किनारे हजरत शेख जैनुद्दीन साहब के नाम पर जैनाबाद नामक नगर बसाया। तो ताप्ती के दाएं किनारे बुरहानपुर है और ताप्ती के बाएं किनारे पर जैनाबाद है। ये नाम क्यों रखे गए ये भी मैंने आपको बता दिया। सूफी संतों की नगरी है साहब ये, ठीक है ना। सूफी संतों ने अपने कलामों से, अपनी कलंदर प्रवृत्ति से इस शहर में निखार लाके रख दिया और इसे आध्यात्मिकता के रंग से सराबोर कर दिया। 1399 के लगभग मलिक नासिर ने आसा अहीर से असीरगढ़ का किला छीन लिया और उसे अपना मुख्यालय बना दिया। ठीक है साहब, इस प्रकार असीरगढ़ का नाम एग्जिस्टेंस में आता है। और एक बात और मैं बता दूं, यहां पर रहने वाले कुछ लोग माइथोलॉजिकल बात पर विश्वास रखते हैं कि भाई असीरगढ़ का किला वो किला है जहां पर अश्वत्थामा का आगमन आज भी होता रहता है। कुछ स्थानीय लोगों की मान्यता है और कुछ किंवदंतियां हैं कि इस किले के भीतर एक शिव मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर है, और वहां पर पूजा पठन करने के लिए अश्वत्थामा आज भी आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध की समाप्ति पर अश्वत्थामा से एक गंभीर अपराध हुआ था जिसके दंड स्वरूप भगवान कृष्ण ने उनके माथे से मणि निकाल ली और उन्हें तब तक जिंदा रहने का अभिशाप दिया जब तक ये सृष्टि मौजूद है। तो हिंदू माइथोलॉजी में विश्वास करने वाले लोग आज भी इस किले में अश्वत्थामा की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। चूंकि ये माइथोलॉजी की बातें हैं, इतिहास में इन बातों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन चूंकि ये जो वीडियो देखने वाले सभी विद्यार्थी नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो काफ़ी उम्र के हो चुके हैं, पीएससी नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन जिले को जानने में उनकी रुचि है, उनके लिए भी इसमें कुछ जानकारी रखी गई है। और खास बात यह कि यहाँ पर एक राजा हुए हैं अली खान। अली खान के समय में एक अंग्रेज यात्री राल्फ फिच ने भारत की यात्रा की और बुरहानपुर से गुजरा। वो राल्फ फिच भारत की यात्रा के दौरान बुरहानपुर से गुजरा। बुरहानपुर में एक सूफी परंपरा है, सूफियों की नगरी है, सूफी संतों की नगरी है, और उच्च कोटि के आध्यात्मिक संत थे ख्वाजा शेख बुरहानुद्दीन साहब। फिर इसके बाद हुए हजरत शाह भिकारी साहब, ख्वाजा बहाउद्दीन वाजन भिश्ती साहब, शेख जलाल कादरी साहब, मलिक शरफुद्दीन और शाह मंसूर साहब। तो ये सूफियों की भूमि भी रही है। यहाँ पर स्थापत्य कला को लेकर के काफ़ी काम हुआ है, आर्किटेक्चर को लेकर के काफ़ी काम हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूँ, बुरहानपुर में फारूकी सुल्तान आदिल खान ने बादशाही किला बनवाया। फिर एक और फारूकी सुल्तान हुए आदिल खान, उन्होंने फारूकी ईदगाह बनवाई। और इन्होंने ही, फारूकी सुल्तान आदिल खान तृतीय की पत्नी थी रुकैया बेगम, उनकी स्मृति में बीबी की मस्जिद बनाई गई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने किसी राष्ट्रीय परीक्षा में पूछा है, देखा है कि बीबी की मस्जिद कहाँ पर स्थित है। भाई बीबी का मकबरा एक तो दक्कन में है, औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था
जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है दौलताबाद में, है ना सर, उसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है बीबी की मस्जिद, ठीक है ना। तो बीबी की मस्जिद बुरहानपुर में निर्मित है, बीबी का मकबरा दौलताबाद में है, आप इस कंफ्यूजन से बच करके रहिएगा। फिर इसके अलावा काले पत्थर से निर्मित जामा मस्जिद है जिसका निर्माण अली खान ने करवाया था, ठीक है ना। इसके बाद फिर मीरन मोहम्मद शाह दुती का मकबरा, अली खान का मकबरा, कठला सराय, जैनाबाद की सराय, सराय आदलपुरा, ये सब चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब मैं यहाँ पर वापस हम अपनी शीट पर आते हैं। देखें, खानदेश की राजधानी रहा बुरहानपुर, बिल्कुल साहब खानदेश की राजधानी था, फारूकी शासकों ने, फारूकी सुल्तानों ने खानदेश की स्थापना की, राजधानी बनाया बुरहानपुर जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ताप्ती के एक किनारे बुरहानपुर और एक किनारे जैनाबाद बसाया गया, ठीक है। ये पहले खंडवा जिले का हिस्सा था, 15 अगस्त 2003 को खंडवा से अलग होकर के बुरहानपुर नया जिला बना, इंदौर संभाग के अंतर्गत इसको रखा गया। वही बात 14वीं शताब्दी में फारूकी सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर यह नगर बसाया गया, ये जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। महाराष्ट्र से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं, इसी के कारण यहां पर केले का बहुत बड़ा कारोबार है, ठीक है ना। दक्कन का प्रवेश द्वार भी कहते हैं इसको। खास बात यह है कि मेडिकल साइंस में बुरहानपुर के नाम एक सौगात है। प्रदेश का पहला यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय बुरहानपुर में ही स्थापित किया गया, प्रदेश का पहला। और एक समय था जब हम पढ़ाते थे मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, अब तो और भी कई आ गए हैं, लेकिन एक समय था जब मध्य प्रदेश का एकमात्र था और वो बुरहानपुर में स्थित था। ये जो इमारत देख रहे हैं इसको अकबरी सराय के नाम से जाना जाता है, बेहद खूबसूरत इमारत है, इसकी खूबसूरती आज भी बरकरार है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया रख रखाव है पुरातत्व विभाग का। और मध्यकाल की बहुत सारी मकबरे, मस्जिदें और ऐतिहासिक वस्तुओं से परिपूर्ण है साहब ये नगर, ठीक है ना। असीरगढ़ का किला, दक्कन का दरवाजा बोलते हैं इसे, बुरहानपुर का खूनी भंडारा। देखिए दरअसल इस भंडारे का जो ओरिजिनल नाम है वो कुंडी भंडारा है, ठीक है ना। कुंडी भंडारा अपभ्रंश होते होते कुंडी भंडारे में कन्वर्ट हो चुका है। और खास बात इसकी यह है कि यह उस वक्त शुद्ध जल प्रदाय के लिए निर्मित किया गया था अबुल फजल साहब के द्वारा अकबर जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, और आज भी इसी भंडारे से बुरहानपुर को पानी की सप्लाई होती है। मैं आपको कुछ स्पेशल जानकारी कुंडी भंडारे के बारे में देना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये कुंडी भंडारा या खूनी भंडारा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के भी तीन स्थान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में है, खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप और भीमबेटका की गुफाएं। इसका भी नाम प्रपोज्ड है, इसका भी नाम भेजा गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। जिस दिन चला गया तो उस दिन राष्ट्रीय विषय बन जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, आज भी यह एशिया के प्राचीनतम भूमिगत जल भंडारों में गिनती होती है इसकी। वर्तमान में एकमात्र जीवित है साहब ये, है ना। अब देखिए इसकी जो है बुरहानपुर जिले के नगरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए यह एक जीवित जल संरचना है। इट्स ए लिविंग वाटर बॉडीज, ध्यान रखिएगा लिविंग वाटर बॉडीज। सतपुड़ा की पहाड़ियों से रिसकर सुरंग में जमा हुआ पानी भूमिगत कुंडियों के माध्यम से शहर में सप्लाई होता है, और शुद्धता के लिहाज से ये जो जल है वास्तव में मिनरल वाटर, आरओ वाटर, इनसे भी ज्यादा गुणवत्ता का है। और वर्तमान में यह विश्व की एकमात्र जीवित भूमिगत जल संरचना है, विश्व की एकमात्र भूमिगत भूजल संरचना। कितनी महत्वपूर्ण बात है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में।
अकबर के शासनकाल की बात है। बुरहानपुर के सूबेदार थे अब्दुल रहीम खान खाना, बैरम खां के पुत्र। अब्दुल रहीम खान खाना ने 1615 में इसका निर्माण करवाया। इस बात को आपको याद रखना है। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नौरत्नों में से एक थे। मैंने अभी अबुल फजल कह दिया था, उसको डिलीट कर दीजिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना को याद रखिएगा भाई। ये असल में सब नाम मिलते जुलते होते हैं तो हम लोग भी कंफ्यूज जाते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना ने 1615 में इसका निर्माण करवाया। बुरहानपुर की ही तरह विश्व में केवल ईरान में इस तरह की भूमिगत जल वितरण प्रणाली थी, लेकिन वो बंद हो चुकी है और बुरहानपुर की अभी तक चालू है। आज भी बुरहानपुर शहर के लोग इतना शुद्ध जल पीते हैं, दुनिया की एकमात्र जीवित प्रणाली है। पहले इसमें 101 कुंडियां थीं। ये कुंडियों के कारण ही इसको कुंडी दरवाजा कहा गया। खूनी भंडारा तो लोगों ने नाम बदल दिया था। हम लोग नाम बदलने माहिर होते हैं, ठीक है ना, अपभ्रंश चलते चलते पता नहीं क्या से क्या नाम हो जाता है। तो कुंडियां थी इसमें 101, कुछ समाप्त हो चुकी हैं, कुछ धस गई हैं। जल संरचना की बनावट इस तरह है कि 5 किलोमीटर दूर तक बिना मोटर पंप के हवा के दबाव से ही साइफनिक पद्धति से पूरे शहर में पानी की सप्लाई होती है। आश्चर्य की बात है, मतलब मुगल काल में इतनी शानदार टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण था हमारा देश। और खास बात है कि अब्दुल रहीम खान खाना को इसकी भी जानकारी थी। बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खान खाना। नवीनतम अनुसंधानों से पता चला है कि इस अनूठी जल संरचना में जल स्तर लगातार गिर रहा है भाई। अब ये जो जल संरचना है थोड़ा सा देख रेख का अभाव है, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तो इसका जो जल स्तर है लगातार जो है गिरता जा रहा है। कैल्शियम की जमावट हो गई है रिसाव में, तो उसके कारण पानी की मात्रा भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। और वास्तव में ऐसा ही रहा तो कुछ सालों में हो सकता है ये जल संरचना समाप्त भी हो जाए। इसके संरक्षण के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। वो सुझाव ये हैं कि सतपुड़ा के पहाड़ों पर वनों की कटाई को रोका जाए, ठीक है ना, पहाड़ों पर बड़ी मात्रा में पौधरोपण किया जाए, पहाड़ों पर बहते बारिश के पानी व मिट्टी को रोका जाए, पहाड़ी क्षेत्र में वाटर रिचार्जिंग का प्रयास किया जाए। और खास बात यह है कि इस कुंडी भंडारे के संरक्षण को लेकर के मध्य प्रदेश का राज्य पुरातत्व विभाग और विश्व धरोहर फंड के बीच एक करार हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है, और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो यह है कुंडी भंडारे की पूरी स्टोरी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। मुस्लिम कारीगर हैं, बहुत उच्च कोटि के बुनकर हैं, बारीकी के साथ कशीदे कारी करते हैं और बेहद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऊंचे ऊंचे दामों पर बिकती है, लेकिन बुनकरों की स्थिति दयनीय है थोड़ी सी। बुरहानपुर शहर दो संप्रदाय, सिख और बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र भी है। बुरहानपुर में शाहजहां के पुत्र शाह सुजा की बेगम का मकबरा स्थित है। इसे खरबूजा बाग गुंबद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको पता है शाहजहां के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा और मुराद। तो जो शाह सुजा थे उनकी बेगम का मकबरा खरबूजा बाग गुंबद के नाम से जाना जाता है। अकबर के नवरत्नों में शामिल अब्दुल रहीम खान खाना, फिर नाम आगे देखे कुंडी भंडारे नाम आया था। खान खाना ने बुरहानपुर में ही अकबरी सराय का निर्माण कराई। जो आप खूबसूरत इमारत देख रहे हैं इसका निर्माण अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दे दूं। अकबर के प्रख्यात सेनापति रहे, बैरम खां के पुत्र थे और बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने इन्हें गोद ले लिया था और पालन पोषण पुत्र की तरह किया था। बेहद होनहार, कई भाषाओं के जानकार, कई विधाओं के जानकार। अब आप देखिए कुंडी भंडारा, बिल्डिंग वास्तुविद भी हैं एक लेखक होने के साथ साथ। ये कुंडी भंडारे की एक दृश्य को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना साहब। कुंडी भंडारा आज भी यहां से पूरे शहर को पानी की सप्लाई होती है, कुंडी भंडारा। और राज्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्मारक घोषित किया गया है।
मुगल कालीन शुद्ध जल वितरण की एक प्रणाली है, ठीक है ना। 1615 में अब्दुल रहीम खान खाना ने कराया मूल। अच्छा, खास बात यह है कि मूल जो खूनी कुंडी भंडारा था वो जो है उसका नाम, तीन नाम थे उसके, खूनी भंडारा, सूखा भंडारा और चिंताहरण भंडारा, ठीक है ना। ये खूनी भंडारा का ओरिजिनल नाम था कुंडी भंडारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सतपुड़ा की पहाड़ियों से रिसते हुए पानी को भूमिगत कुंडियों के माध्यम से एकत्रित किया जाता था और इसे पूरे शहर में सप्लाई भी किया जाता था। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अपने आप में एक बहुत यूनिक है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फिलहाल दुनिया में एकमात्र जीवित भू जल संरचना है। इसके पहले एक ईरान में भी थी लेकिन वो बंद हो चुकी है, फिलहाल जिंदा में यही है एकमात्र। ये जो आप देख रहे हैं असीरगढ़, आशा अहीर के द्वारा निर्मित राजा की छतरी, समाई राजा मिर्जा जय सिंह जी की स्मृति में निर्मित है असीरगढ़। इसे दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं। 3 किलो का समूह है ये, असीरगढ़, कमरगढ़ और मलयगढ़। राजा अहीर या आशा अहीर द्वारा निर्मित है। इस किले के भीतर आशा देवी की प्रतिमा है और मंदिर है। अपने समय में एक अभेद्य दुर्ग माना जाता था और खास बात यह है कि गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण को उत्तरी आक्रमणों से बचाने के लिए इसे एक दीवार समझा जाता था। जिसने असीरगढ़ के किले को जीत लिया, समझ जाइए वो दक्कन में उसका प्रवेश आसान हो जाता था। और खास बात यह कि अकबर ने अपने जीवन काल का आखिरी युद्ध 1601 में किया था और असीरगढ़ के किले के ऊपर किया था। अकबर ने इस किले को जीत लिया। राजा की छतरी, यहां पर आप देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट इमारत है राजा की छतरी। मुगल शासक औरंगजेब ने निर्मित करवाई और समाई राजा जय सिंह जी के सम्मान में, राजा जय सिंह के सम्मान में औरंगजेब के द्वारा राजा की छतरी को निर्मित किया गया है। महल दुलारा उतावली नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था और अपनी प्रेमिका दुलारी बेगम के लिए, दुलारी बेगम के लिए उन्होंने ये दुलारा महल निर्मित करवाया था, महल दुलारा। अभी शाहजहां की और भी कई इमारतें देखेंगे जो आगे चल के ताजमहल का आधार भी बनी है। मोती महल, ये जो इमारत देख रहे हैं आप, ये मोती महल बोलते हैं इसको, जीर्ण शीर्ण हो गई है, पुरानी हो गई है। मोती बेगम की कब्र, मोती महल स्मारक, ठीक है ना, इसे भी बादशाह, मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था मोती बेगम की कब्र को, ठीक है ना, जिसे मोती महल के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण मुगल राजपूत शैली में किया गया। दौलत खान लोदी का मकबरा यहाँ की प्रमुख इमारत है। मुमताज महल की कब्र, देखिए ये महत्वपूर्ण बात है, जब शाहजहां खुर्रम के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां गुट के खिलाफ खुर्रम ने विद्रोह किया। उस विद्रोह के दौरान खुर्रम का बुरहानपुर आना हुआ और बुरहानपुर में ही उसकी प्रिय पत्नी मुमताज महल, जिनका वास्तविक नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल की प्रसव पीड़ा से मौत हो गई। अब चूंकि खुर्रम उस वक्त विद्रोही राजकुमार था तो उसने मुमताज की कब्र पर एक सामान्य सी इमारत बनवा दी, ठीक है ना, बुरहानपुर में ही। ये मुमताज की पहली कब्र थी, सामान्य सी एक इमारत बनवा दी। बाद में जब खुर्रम बादशाह बन गए, शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठे, तो उन्होंने बुरहानपुर में स्थित मुमताज की कब्र को उखड़वाया और शव को लेकर के आगरा आए, ताजमहल निर्मित किया गया उनकी कब्र पर आगरा में। उस्ताद ईसा खान और उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में। तो मुमताज जो अभी आगरा में ताजमहल में दफन है, कभी वो बुरहानपुर में दफन हुआ करती थी और बुरहानपुर में ही उनकी प्रसव पीड़ा से मौत हुई थी। ताजमहल
और बुरहानपुर की ये इमारत शाहजहां और मुमताज के प्रेम का एक जीवंत प्रतीक है। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया और उसी सिलसिले में बुरहानपुर भी आया। जहांगीर का पीछा करते करते बुरहानपुर से भी निकला, जहांगीर से मिलने के लिए आया था वो टॉमस रो। आगे चल के कैप्टन हॉकिंस भी आए लेकिन वो यहां तक नहीं आए। नेपा नगर नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर 1948 में स्थापित किया गया, अखबारी कागज का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कारखाना नेपा, ठीक है ना, जिसके नाम पर ही नेपा नगर विकसित किया गया है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र प्रदेश का प्रथम 1953 में विकसित हुआ। ये जो देख रहे हैं दरगाह ए हकीमी बहुत प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। दरगाह ए हकीमी दाऊदी बोहरा समाज का एक पवित्र स्थल है। जैसा मैंने कहा था बुरहानपुर में बोहरा समुदाय के काफी लोग रहते हैं, बेहद शांति प्रिय होते हैं, ये व्यवसाय में निपुण होते हैं और धार्मिक भी होते हैं। तो ऐसे एक धार्मिक और शांत प्रिय समुदाय का एक पवित्र स्थान है दरगाह ए हकीमी। बेहद खूबसूरत है, सफेद इमारत है, शांति का प्रतीक है। यहाँ अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को भी दफनाया गया है, ठीक है ना। जो शाही किला था यहाँ का वो फारूकी राजाओं ने बनवाया, किंतु इसे पूरा अकबर ने करवाया, ठीक है साहब। तो ये तो जानकारी थी, एक सामान्य किस्म की जानकारी जो जिले के बारे में आपको होना ही चाहिए। लेकिन कुछ अपडेट्स भी हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपको पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की जो परंपरागत, हर जिले की जो परंपरागत जानकारी है वो तो आपको उपलब्ध हो ही, साथ में उसमें क्या क्या अपडेशन हुआ है, क्या क्या नई नई बातें जुड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो बुरहानपुर से ताल्लुक रखते हैं, साक्षात्कार में अगर जा रहे हैं तो एक करंट अपडेट उनके बड़े काम का है। पुराना तो है ही, करंट अपडेट भी काम का है। और प्री और मुख्य परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं उनके लिए तो पूरा लेक्चर ही अपने काम का है, ठीक है साहब। तो करंट जानकारी ये है कि पुरातत्व विभाग ने विल्किस जहां के मकबरे को फिर से खोल दिया है। 50 साल बाद फिर से आम लोगों के दर्शनार्थ विल्किस जहां के मकबरे को खोला गया है बुरहानपुर में ही। बुरहानपुर में एक नई तहसील का भी गठन किया गया है जिसका नाम है धूलकोट। एक नई तहसील धूलकोट बनाई गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना, मैंने आपको बताया था मध्यप्रदेश शासन की एक योजना है जिसमें प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का चयन किया जाएगा और उसे प्रमोट किया जाएगा। तो इस योजना के तहत बुरहानपुर जिले में केले की फसल का चयन किया गया है। केले के उत्पादन में बुरहानपुर अग्रणी है, ठीक है ना। 15वीं विधानसभा की महिला सदस्य यहां से हैं, विधायक श्रीमती सुमित्रा देवी काष्टेकर यहां से विधायक हैं। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी पर यहां पर एक पुल भी बना हुआ है जिसका नाम ताप्ती पुल है और उस पुल का नाम बदल करके राजेंद्र दादू सेतु रखा जाएगा, ठीक है ना। ये राजेंद्र दादू सेतु विधायक थे और 2016 में एक सड़क दुर्घटना में, एक दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। तो उनकी स्मृति में इस ब्रिज का नाम राजेंद्र दादू सेतु रखा जाएगा। ये बुरहानपुर की प्रमुख इमारतें हैं जैसा आप देख रहे हैं। एक है अकबरी सराय, महल गुल आरा, शाह नवाज खां का मकबरा, जामा मस्जिद, राजा की छतरी, कुंडी भंडारा और असीरगढ़ का किला। ये प्रसिद्ध इमारतें हैं यहाँ की, ठीक है ना। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आते हैं आजकल, कला और संस्कृति से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देने वाला हूं, मैं थोड़ा सा दो मिनट के लिए रुक जाइए। असल में उसका संबंध साहित्य से है ना, बुरहानपुर के साहित्य से उसका संबंध है।
तो 2 मिनट लगेंगे, बस थोड़ा सा रुक जाइए आप, है ना। जैसा कि आपको पता है कि सूफी परंपराओं से प्रसिद्ध था बुरहानपुर शहर, ठीक है ना। और खास बात यह है कि बुरहानपुर शहर में भाषाओं का बड़ा अच्छा विकास हुआ साहब, है ना। जैसा कहा जाता है कि 15वीं सदी में फारसी और हिंदी के शब्दों के मिलाकर के जो जबान बनी उसे रेखता कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? रेखता। फिर रेखता में फारसी शब्द क्रमशः बढ़ते चले गए तो इसे उर्दू के नाम से जाना गया। तो रेखता वास्तव में उर्दू के बचपन का रूप है, ठीक है ना। अभी तक उर्दू कविता के विकास में पहला नाम गोलकुंडा का आता है। ऐसा माना जाता है कि उर्दू कविता का विकास गोलकुंडा में हुआ और गोलकुंडा के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने उर्दू कविता का विकास किया। लेकिन कुछ नए रिसर्च हुए हैं भाषा के क्षेत्र में, जिसमें बताया जाता है कि कुली कुतुब शाह से काफी पहले बुरहानपुर में इस नई भाषा में काव्य रचना होने लगी थी। मतलब हम मानते हैं कि उर्दू का विकास गोलकुंडा में हुआ, उर्दू का जन्म गोलकुंडा में हुआ कुली कुतुब शाह के समय में, लेकिन नवीनतम रिसर्च बताते हैं कि कुली कुतुब शाह से काफी पहले बुरहानपुर में उर्दू भाषा में काव्य सृजन होने लगा था। 15वीं सदी में बुरहानपुर में पहले शेख सादी दक्कनी ने, सबसे पहले शेख सादी दक्कनी ने और फिर शाह बहाउद्दीन बाजस ने रेखता में काव्य रचना की। इस कारण गोलकुंडा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में उर्दू कविता का जन्म हुआ है। लेकिन शेख सादी दक्कनी को उर्दू के प्रणेता के रूप में मान्यता नहीं मिली है। ये तो बुरहानपुर के साथ अन्याय है साहब। पूरी दुनिया बोलती है गोलकुंडा में पहली कविता लिखी गई, लेकिन मध्यप्रदेश के जो उर्दू साहित्यकार हैं उनका दावा है नहीं, गोलकुंडा में नहीं बुरहानपुर में लिखी गई। लेकिन शेख सादी दक्कनी को मान्यता नहीं मिलती, बुरहानपुर को भी मान्यता नहीं मिलती है। तो आवश्यकता है इस संदर्भ में कुछ नए रिसर्च किए जाएं। तो विद्यार्थियों, बुरहानपुर का कितना महत्व आप देख सकते हैं। ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक महत्व है, उर्दू भाषा के विकास में महत्व है, सूफी संतों की नगरी है, सब कुछ तो है इस शहर में, ठीक है ना। तो मैंने आपको बुरहानपुर शहर की संक्षिप्त जानकारी दी। कुछ अन्य जानकारियां भी मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं, है ना। जैसे ये आपके काम आ जाएगी भाई, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत गृह, हमने अभी खंडवा पढ़ा, ठीक है, बुरहानपुर भी पढ़ा। तो मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख ताप विद्युत गृह की जानकारी दे देता हूं मैं। संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह खंडवा में है, बताया था मैंने आपको। पेंच ताप विद्युत गृह छिंदवाड़ा में है। जबलपुर ताप विद्युत गृह जबलपुर में है। विंध्याचल ताप विद्युत गृह सिंगरौली में है। चांदनी ताप विद्युत गृह बुरहानपुर में है। सतपुड़ा ताप विद्युत गृह बैतूल में है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीरसिंहपुर में है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में है। तो ये मैंने अतिरिक्त जानकारी हमारे रिसर्च टीम ने आप लोगों के लिए जुटा दी। देखिए मैं आपको बता दूं, मास्टर लोग हैं हम, तो हमारा काम है बोलना, हम व्याख्यान दे सकते हैं, लेकिन ये जो पीपीटी है ये हम लोग नहीं बनाते, इसे बनाने का काम करती है हमारी रिसर्च टीम। और उस रिसर्च टीम में जो मेंबर्स हैं वो ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो MPPSC के इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, युवा हैं, आप लोगों की एज के हैं, और देखते रहते हैं कि कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं सेक्शंस को इन PPT में कवर किया जाए। तो वो हमें PPT बना करके भेज देते हैं, हम पढ़ाने का काम कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं, भाई लेक्चर तो आपने सुन लिया, आप चाहते हैं कि ये PPT पर आपका मालिकाना हक हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम पर हमारा जो चैनल है विश्वास अकेडमी का, ई विश्वास का, उसे ज्वाइन करना है, वहाँ पर आप ये पूरी PPT एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मेरी वाणी में इस पूरे महाभारत को भी सुनना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, यूट्यूब चैनल पर जाना पड़ेगा। बाद में हम अपने इसी लेक्चर को अपने ऐप पर भी डाउनलोड कर देते हैं, ई विश्वास के नाम से हमारा एक
ऐप भी बना हुआ है, वहाँ पर हमारे संविधान के, इतिहास के, भूगोल के, मध्य प्रदेश के सभी टॉपिक्स पर सैकड़ों वीडियो डले हुए हैं। जो लोग हमारी 500 रुपये महीने वाली MPPSC क्लास में एडमिशन ले लेते हैं उनको डेली वीडियो मिलते हैं, और जो निःशुल्क में ऐप डाउनलोड कर लेते हैं उनको भी बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं। भाई देखिए, ये जो हमारा ऐप है दोनों प्रकार के बच्चों के लिए है, जो 500 रुपये दे सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो नहीं दे सकते हैं वो हमारे निःशुल्क वीडियो को देखें। सबके लिए शिक्षा, सबके लिए सुलभ होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हमने अपने ऐप पर 500 रुपये महीने का MPPSC का कोर्स लॉन्च किया है, प्री मेंस और इंटरव्यू, सिर्फ 500 रुपीज मंथली। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा का तो आप लोग अपना मोबाइल रिचार्ज करा लेते होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई ये भी नहीं दे सकता है तो हमारे फ्री वीडियो जो हमने वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं उनको देख लें, और वे बच्चे यहाँ से PPT भी डाउनलोड कर लें टेलीग्राम चैनल से। तो शिक्षा सबको समान रूप से उपलब्ध है, और उसके बावजूद भी यदि आप हमसे कुछ चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में तो हम लोग आपको उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। तो आपका वीडियो कैसा लगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा हो तो लिख देना और नहीं इच्छा हो तो मत लिखना। लाइक करने की इच्छा हो तो कर देना, नहीं तो मत करना, शेयर भी तुम्हारी मर्जी के ऊपर है। मैं किसी से अपील नहीं करूँगा कि आप हमारे वीडियो लाइक करें, शेयर करें और पता नहीं कहाँ कहाँ भेजें, आपकी मर्जी है भाई आपकी। हमारा काम है पढ़ाना, बाकी काम है आपका सुनना, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। हमारा तो संकल्प है पूरे 52 जिले YouTube के माध्यम से मध्य प्रदेश के और दूसरे प्रदेश के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना। अब कुछ जिले मैं पढ़ा रहा हूँ जैसे, है ना, दूसरे शिक्षक भी आएंगे भाई, हमारे रविशंकर सर उज्जैन संभाग के ऊपर बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, उज्जैन संभाग आप पढ़ा दीजिए, क्योंकि आपने इतने जीवन काल का बहुत सारा समय उज्जैन और रतलाम में बिताया है। रतलाम में कई सालों से वो MPPSC के ट्रेनर के रूप में काम कर रहे थे, तो रतलाम में बहुत समय बिताया, अभी आज उनके 8 विद्यार्थी MPPSC में इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। उज्जैन में काफ़ी समय बिताया क्योंकि हमारी विश्वास अकेडमी जो है इंदौर में तो अभी आई है 3-4 महीने पहले, उज्जैन में काफ़ी सालों से है, रतलाम में भी काफ़ी सालों से है। तो हमारे जो रविशंकर सर हैं उन्होंने उज्जैन और रतलाम में काफ़ी समय बिताया, तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास व्यवहारिक ज्ञान है उन दो शहरों का, तो उज्जैन संभाग को आप ही कवर करना। पहले तो उन्होंने नानुकुर की, बोले था मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास तो समय नहीं है। फिर मैंने कहा सर बच्चों का ध्यान रखिए भाई, बच्चे हैं बेचारे, उनको आपका व्यवहारिक ज्ञान मिल जाएगा, तब वो तैयार हो गए। तो जैसे मेरा उज्जैन इंदौर संभाग कंप्लीट होगा तो रविशंकर दुहोलिया सर आपको उज्जैन संभाग पढ़ाने के लिए आएंगे। अभी फिलहाल तो इंदौर संभाग पढ़ते रहें, ठीक है ना, फिर देखेंगे जब उज्जैन संभाग शुरू होगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना पर्याप्त है, नहीं तो हम तो मास्टर लोग हैं, बोलते रहेंगे, चुप ही नहीं होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।